इट वॉज फन, आई एंजॉय द मूवी, यू नो, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं उठ के निकल जाती हूँ टाइप ऑफ अ थिंग। मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। विक्की कौशल हैज इवॉल्वड एज एन एक्टर, ऐसा लगा था दिमाग छोड़ के आओ, पॉपकॉर्न खाओ, पेप्सी पियो। She looks very hot and very gorgeous in the movie. Is it a serious topic? मुझे लगा ये absurd है, because it made no sense to me. मैं अपना बोलूँ तो मुझे थोड़ा story confusion लगा। बहुत ही मजा आया मुझे फिल्म देखके। श्रद्धा कपूर also could have been in this movie if you ask me. विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की बैड न्यूज हर तरफ इस समय छाई हुई। लोग मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मूवी देखने जाने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मूवी है कैसी और ये थिएटर्स में देखने लायक है या नहीं, इस पर आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं, और उसके लिए आपको मूवी रिव्यू देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए, हम आपके लिए लाए हैं बैड न्यूज का सबसे ऑनेस्ट पब्लिक ओपिनियन। तो चलिए जनता से जानते हैं कैसा रहा उनका मूवी को लेकर एक्सपीरियंस, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये मूवी देखनी है या फिर नहीं। चलिए उससे पहले बात करें मूवी के प्लॉट की। तो मूवी में विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क मुख्य भूमिकाओं में। फिल्म की चर्चा अनोखी स्टोरी लाइन की वजह से। दरअसल फिल्म एक अजीबोगरीब प्रेगनेंसी के बारे में। क्या जुड़वा बच्चों के दो अलग अलग पिता हो सकते हैं? जवाब है, बॉलीवुड फिल्म बैड न्यूज इसी पर आधारित है। इसमें घर में पल रहे जुड़वा बच्चों के दो पिता हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो है, लेकिन मन गढ़ंत नहीं। इस तरह की प्रेगनेंसी काफी रेयर होती है और ऐसा हो भी चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये मूवी देखकर लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस रेयर प्रेगनेंसी को जब पर्दे पर उतारा गया तो लोगों को कितना मजा आया। चलिए जानते हैं लोगों से। बहुत ही मजा आया मुझे फिल्म देख के, और मुझे लगा कि विक्की कौशल हैज इवॉल्वड एज एन एक्टर फ्रॉम द टाइम ऑफ सीइंग हिम एज अ सीरियस एक्टर एज भगत सिंह, उसके बाद धर्मा में, और इस तरह का जलवा जो उन्होंने दिखाया है, व्हाट एन अमेजिंग डांसर, व्हाट मूव्स एंड हाउ मच हार्ड हिज वर्क, एंड आई थिंक He's really evolved after his marriage. Oh, उनका रंग उन पे दिख रहा है, उनकी मैडम का। तो मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा इज रियली evolved. आप जो और इनको देखिए, तृप्ति हर्सेल्फ स्टार्टिंग अ करियर फ्रॉम थिंग्स लाइक बुलबुल, और उसके बाद आपकी इतनी अच्छी अच्छी जो उनकी फिल्म्स हैं, ज्यादातर आर्ट एंड ड्रामेटिक्स उस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद इतना ग्लैमरस रोल उठाना, एंड शी इज अटली, मतलब मैं शुरू से उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एडल्ट कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो हाउ फार चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड इट, बट आई थिंक हम लोगों को, सबको, हमारी उम्र के जो लोग हैं 18+, उनको तो जरूर ही देखनी चाहिए फिल्म, और अपना दिमाग छोड़ के आए हैं। ऑनेस्टली मुझे कोई एक्सपेक्टेशन होता ही नहीं है, मैं जब मूवी देखती हूँ आई एम लाइक ठीक है, आज फ्री है, आज जाएंगे मजा करके आएंगे, एंड इट्स गोना बी अ स्ट्रेस बस्टर, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट वाज फन, आई एंजॉयड द मूवी, यू नो, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं उठ के निकल जाती हूँ टाइप ऑफ अ थिंग, सो या इट वाज गुड। इज इट अ सीरियस टॉपिक? मुझे लगा ये एब्सर्ड है, बिकॉज इट मेक नो सेंस टू मी, यू नो, ऑब्वियसली ट्रेलर में ही आजकल मूवी का पूरा पता चल जाता है, तो मैंने जितना ट्रेलर में भी देखा था उतना मूवी में भी वैसे ही दिखाते हैं, बट ओवरऑल एज अ पैकेज इट वाज एंटरटेनिंग, मजा आया मुझे। उनका रोल अपनी जगह ठीक है, और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, जो उनकी स्क्रिप्टिंग है उसके हिसाब से ही इज सूटेबल, बिकॉज़ विक्की इज अ मोर ग्लैमरस गाय एंड ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल बिजनेस ओनर, सो एंड दोनों की पर्सनालिटी जो रोल को जस्टिफाई करती है। एमी के बारे में बहुत ज्यादा जानती नहीं हूं, because I have not seen his earlier work, but his work is good. I think the climax is very good. I don't want to disclose it, but it was a very good time. I think so. And it's a win-win situation for both the people. And you must watch the film. बहुत जबरदस्त, मतलब हम लोग इतना हंस रहे थे और बिल्कुल बिंदास मुंह फाड़ के हंस रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था दिमाग छोड़ के आओ, पॉपकॉर्न खाओ, पेप्सी पियो, मतलब you don't have to judge this film. And Karan Johar is obviously, Karan Johar ya Dharma koi aisa subject leti hai to they don't leave any stones unturned, you know, so all the best 4.5. comedy jo add kiya gaya, beech beech mein dialogue diya gaya, thoda hansi aa rahi hai, sahi ja rahi hai film ko. First half jaise starting mein tha, first half se pehle aisa lag raha tha ki bandh ke rakhe ki maza aa raha tha, ki jaise jaise story aage badh rahi thi to shayad thoda sa wo sochne pe matlab bolte na majboor kar rahi thi. Acha time normal hi hai, ek bar aap dekh sakte hain, baki jis tarah ka subject hai शायद कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, देखने के बाद सबको पता चलेगा ऑडियंस को, बस नॉर्मली मुझे लगा कुछ, और जाकर बोले कि लग रहा था फिल्म का सादा जो सारा भार है ना विक्की कौशल के ऊपर है। और मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे पहले गुड न्यूज़ आई थी जिसमें दिलजीत दोसांझ, अक्षय कुमार और के आर आडवाणी जैसे बड़े बड़े एक्टर थे,
ये मूवी में भी तृप्ति धीमरी है जो एनिमल से स्टार बन गए, शी लुक्स वेरी हॉट एंड वेरी गॉर्जियस इन द मूवी। एंड विक्की कौशल भी बहुत ही ज़्यादा फनी है, बहुत ही उनकी कॉमेडी पंचेस हो या वन लाइनर्स हो, उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है। और जो कैमी विर्क सरदार जी का जिन्होंने रोल किया वो भी बहुत अच्छे हैं। नेहा दुपिया और शिवा चड्डा कैरेक्टर रोल्स में छा गई। म्यूजिक बहुत अच्छा है, रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, करण, दे आर लॉट ऑफ यू नो अभिजीत, बहुत सारे कंपोजर्स हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा है, स्पेशली लास्ट सॉन्ग तौबा तौबा बहुत अच्छे से शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है देवोजीत रे की। एडिटिंग शार्प है, 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, एंटरटेन रखेगी शुरू से लेकर एंड तक। फर्स्ट हाफ हो, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी स्लो पेस्ड हो जाती है, बट इंजॉयबल है, एंटरटेनिंग है। और डायरेक्शन बहुत अच्छा है आनंद तिवारी का। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगता है इट्स अ मस्ट वॉच। मैं सेकेंड हाफ में थोड़ी सी स्लो पेस्ड हो जाए तो 3.5 स्टार्स दूंगा, वरना मूवी डेफिनेटली 80% ऑक्यूपेंसी तो पीपल वर एंजॉयिंग इट। आई थिंक विक्की वाज वेरी नेचुरल, यू नो विक्की का पूरा थ्रू एंड थ्रू मुझे, आई एम नॉट अ फैन ऑफ विक्की कौशल, बट फॉर अ चेंज मुझे इस मूवी में उसको लगा कि हाँ सच में वो बंदा है, यू नो विक्की चड्डा आई थिंक इज द नेम, सो इट स्टेज ऑन विद यू, सो ही प्लेड इट वेरी वेल। स्टोरी जैसा कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि ऐसा होता है, मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं है, होता होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर इसको पता है शायद उसको अच्छा लगे, उसके लिए बेस्ट पार्ट है, जिसने नहीं पढ़ा को जो एक्सेप्ट नहीं कर पाया उसके लिए सही बात है। आई फाइंड इट्स अ लिटिल ओवरहाइप्ड, यू नो शी लुक्स गुड इन ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक शी इज एज गुड एज लाइक लेट्स से श्रद्धा कपूर आल्सो कुड हैव बीन इन दिस मूवी इफ यू आस्क मी। स्टोरी जैसा कि है कि अगर अच्छा लगा तो सही है, मैं अपना बोलूं तो मुझे थोड़ा स्टोरी कंफ्यूजन लगा थोड़ा सा, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको कम दिखा और उतना ज़्यादा खास इंजॉय स्टोरी वाइज नहीं कर पाया, बाकी विक्की कौशल तृप्ति को अच्छा इंजॉय किया 2.5। जिस तरीके से उसने संघर्ष किया है जो फिल्म की अभिनेत्री है तो वो पिक्चर में तो दिखाई देता है, और अनन्या पांडे का हाँ जो स्पेशल अपीयरेंस है जो वो कुछ देर के लिए आई है वो बहुत अच्छा लगा। तो विक्की कौशल है, उनकी एक्टिंग सबसे दमदार है, हालांकि राइटिंग में कुछ कमजोरी रही है, डायरेक्शन भी कई जगह कमजोर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म उनके कंधों पर टिकी हुई है। तो ये था लोगों का ओपिनियन इस मूवी को लेकर। आपको क्या लगता है, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? लोगों के रिव्यू से आपको क्या समझ आया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड की। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।